मेरी समझ में ये नहीं आता कि समीर किस मिट्टी का बना है, उसका रवैया ही समझ में नहीं आता। आप कह रही थी कि रूबी के आने के बाद वो बदल जाएगा, लेकिन देखा आपने उसे देखकर किस तरह दूसरी तरफ चला गया वो। ये समझ में नहीं आता कि हम जो भी फैसला लेते हैं उसके खिलाफ क्यों हो जाता है। आप जरा सब्र से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। एक बात और कहूं आपसे, आपकी आपा भी रूबी को पसंद नहीं करती। वो पसंद नहीं करती तो क्या, वक्त बदल जाता है तो इंसान को बदलते देर नहीं लगती। आप देखना, रूबी सिर्फ समीर का नहीं बल्कि आपा का भी दिल जीत कर दिखाएगी। आइए आप बैठे। क्या बात है आपा, खामोश क्यों है? रूबी को यहां लाकर आपने ठीक नहीं किया आपा। ये मत भूलो समीर कि ये वही रूबी है जिसके लिए तुमने हमसे झगड़ा किया था, जिसके लिए तुमने हीना को ठुकराया था। और ये वही रूबी है जिसने मुझे ठुकराया था। मुझे एक बात बताओ समीर, जब तुमने हीना को ठुकराया था तो अब तुम इसे क्यों माना चाहते हो? रूबी की तुलना तुम हीना से मत करो। आप हीना की तो बात ही ना करें, समीर की अगर शादी होगी तो सिर्फ रूबी से। मैं रूबी को अपनाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं जितना कह रहा हूं उतना ही तुम्हें करना है। ये बरखुरदार हीना को फोन करते हैं और फोन पर उससे कहते हैं कि अकरम को छोड़कर इनसे निकाह कर। ये आपको कैसे पता? कमिश्नर साहब ने बताया, उन्होंने वो टेप भी सुनाया जिसमें इनकी बातें रिकॉर्ड हुई। समीर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटे। कल को अगर वो टेप सरफराज ने सुन लिया तो मैं तो जिंदगी भर उसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। शर्म से मेरा सर झुक जाएगा कि मेरा बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है। हमारे सब्र का पैमाना तो भरता जा रहा है। इससे पहले कि ये कोई और गुल खिलाए, इनकी शादी रूबी से हो जानी चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें तलाक देकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है और उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। ही ना देखो, इनकार करने से पहले इतना जरूर सोचना कि मेरी जिंदगी की सारी खुशी अब तुम्हारे दम से। तुम नहीं तो मेरी जिंदगी एक बोझ बनकर रह जाएगी। ही ना, ही ना, प्लीज लौट आओ। ही ना, क्या सोच रही हो? क्या बात है अकरम? मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती अकरम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। कौन सी बात है? अकरम, मेरे लिए एक फोन आया था। फोन? किसका? क्या हुआ, रुक क्यों नहीं? बोलो। आप जाने दीजिए, मैं आपको बताकर, अगर मैं नहीं चाहती कि हीना, तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर मुझे नहीं बताओगी तो क्या मैं नहीं समझता कि उस बदमाश ने तुमसे क्या कहा होगा? उसने तुमसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की होगी और अगर नहीं दोगी तो मुझे मार डालेगा। इसके अलावा वह कर भी कह सकता है। क्यों, यही बात है ना? हीना, मैं तुम्हें फिर से कहता हूं, तुम अपने आप को ऐसी बातों में क्यों उलझाती हो? देखो हीना, मुझे फिक्र हो जाती है। तुम अपने आप को घर के कामों में बिजी रखने की कोशिश करो और ऐसी बातों को अपने जहन में भी मत आने दो, ओके?
क्या करने जा रही थी हीना? गजब हो जाता। तुमने अच्छा किया जो अक्रम को समीर के बारे में नहीं बताया। अगर बता देती तो अक्रम से बर्दाश्त नहीं होता और वो जाने क्या कर बैठते। तुम्हारी खामोशी आने वाले तूफान को रोक सकती है हीना। तुम्हें वो बातें अपने अंदर ही दफन कर लेनी होगी। इसी में सबकी भलाई है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आइए आइए आइए, प्लीज बैठ के ना। आप दोनों आज पहली बार मेरे घर में आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। बेटे, हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं। पहले मुझे ये बताइए, आप क्या लीजिएगा? तकल्लुफ मत करो बेटी, ये तो घर जैसी बात है। फिर भी आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। जी चाहता है सारी दुनिया आप दोनों के कदमों में डाल दूँ। अरे बस बस बस, ये सारी जो मोहब्बत है ना, वो बचा कर रखो। अब तुम हमारे घर में आ रही हो, हम चाहते हैं कि हम सब प्यार से मिलजुल कर रहे, एक होकर रहे। आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। पहले आप ये बताइए, आप क्या लीजिएगा? बेटी, हम कोई मेहमान थोड़ी है, ये भी हमारे ही घर है। आपने ऐसा कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे ये तुम्हें क्या हुआ बेटी? हमने ऐसा क्या कहा जो इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला। आप दोनों का प्यार देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। नहीं बेटी, अपने आंसू पोंछ डालो। देखो, हम दोनों तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, तुम्हारी होठों पे मुस्कान देखना चाहते हैं। चलो मुस्कुराओ। हाँ तो बेटे, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आप मुझसे समीर के बारे में बात करने आए हैं ना? हाँ बेटी, दरअसल समीर तुमसे बहुत नाराज है। वो तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मुझे पता है, मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है। मैं तो इसी लायक हूं कि वो मुझसे नफरत करे। लेकिन बेटी, आज जब तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, तो तुम्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। अब मैं क्या कहूं, मैं आपके घर में झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती। अगर समीर मुझसे नफरत करते हैं तो मैं उनके रास्ते में फिर कभी नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? हम तो यहाँ तुम्हें हौसला दिलाने आए हैं। तुम समीर की किसी बात का बुरा मत मानना। उसे गलतफहमी हो गई है कि हीना उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। वो भटक क्या है बेटी? आप फिक्र ना कीजिए, मैं धीरे धीरे समीर के दिल में अपनी जगह बना लूंगी और उनके दिल से हीना को हमेशा के लिए निकाल दूंगी। क्या बात है समीर, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। समीर, कोई तो ऐसी बात है जो कहने में तुम हिचकिचा रहे हो। समीर, मुझे तो लगता है इस वक्त तुम दिमागी उलझन का शिकार हो और ना चाहते हुए भी बेख्याली में आए हो। बताओ क्या बात है? अब्बू मेरी शादी रूबी से करवा रहे हैं। क्या ये बात, खुद अब्बू ने कही तुमसे? हाँ, और अब्बू रूबी को अपने साथ घर लेकर भी आए थे, और अम्मी अम्मी ने खुले दिल से उसका इस्तकबाल किया। तो फिर तुम्हें इनकार क्यों है? क्या तुम भूल गए हो कि तुम भी रूबी को चाहते थे? मैं ये भी नहीं भूला हूं नमीरा कि रूबी ने मेरी जिंदगी को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। समीर, मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि जो कुछ भी हुआ है अब उसे भूल जाओ, रूबी से शादी कर लो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। आखिर अम्मी और अब्बू ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। हाँ समीर, जहां तक मैंने देखा है, बुजुर्गों का फैसला कभी गलत नहीं होता। मैं यहाँ तुम दोनों से मदद मांगने के लिए आया था, मगर तुम दोनों भी उसी जबान में बात कर रहे हो
जिस जबान में अम्मी अबू बात करते हैं। मैं समझा था कि तुम दोनों जाकर अम्मी अबू को समझाओगे, लेकिन मैं गलत समझा था और मैं गलत जगह पर आया हूं। अब तुम दोनों इतना काम जरूर करना, अम्मी अबू को समझा देना कि अगर उन्होंने मुझ पर दबाव डाला शादी करने के लिए तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। क्या बात है नमीरा, तुमने मुझे इतनी जल्दी बुला क्यों लिया और फिर फोन पर कुछ बताया भी नहीं? मैं बहुत डर सी गई हूं, क्या हुआ है? अम्मी, बात यह है कि समीर हमारे पास आया था और आप लोगों की शिकायत कर रहा था। वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि आप उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी रूबी से करवा रही हैं। हाँ नमीरा, लेकिन वो कमबख्त किसी और को पसंद भी तो नहीं करता। क्या वो सारी जिंदगी ऐसे ही बैठा रहेगा? हमारे भी कुछ अरमान है कि हम अपने पोते को गोद में खिलाएं, उसकी किलकारियों में खो जाएं। औरों की गोद में बच्चा देखती हूं तो मेरे दिल में कसक सी हो जाती है नमीरा। और नमीरा, फिर हम इतने खुदगर्ज भी नहीं है कि सिर्फ हमारे जज्बातों की फिक्र करें। मुझे समीर की बेहतरी का ख्याल है, मैं उसकी जिंदगी में खुशियां देखना चाहती हूँ, उसे हंसता खेलता देखना चाहती हूँ। मेरे कहने पर तुम्हारे अब्बू रूबी को ले आए और अब ये समीर है कि मेरी समझ में नहीं आता नमीरा, इस लड़के का मैं क्या करूं? अम्मी, बात जो भी हो, लेकिन आप समीर पर दबाव मत डालिए, क्योंकि वह साफ लफ्जों में कह चुका है कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। उसे घर छोड़ना गवारा है, लेकिन रूबी के साथ शादी करना बिल्कुल गवारा नहीं है। अब अगर आप अपने बेटे से हाथ धोना चाहती हैं तो ही उसकी शादी रूबी से करवाइए। अबू, आप तो जानते हैं कि धीरे धीरे अब हालात साजगार होते जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि होटल के इनॉग्रेशन कर ही दूं। बेटे, मेरे ख्याल में कुछ दिन रुक ही जाओ तो अच्छा है। पुलिस अपनी तहकीकात में लगी है, एक्सटॉर्शन के लिए जो लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते उनका पर्दाफाश नहीं होता, इनॉग्रेशन ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन अबू, मैं अब और कितना इंतजार करूं? आप तो जानते हैं ना कि मैंने लोन लेकर होटल की तामीर की है, अब जब तक होटल इनॉग्रेट नहीं होता वो शुरू नहीं होगा, जब तक शुरू नहीं होगा आमदनी नहीं होगी। इस हिसाब से तो लोन का इंटरेस्ट मुझ पर बढ़ता ही जाएगा अबू, मैं और कितना बोझ सहूंगा? इसी बात की फिक्र तो मुझे है बेटे, बल्कि इससे ज्यादा फिक्र मुझे तुम्हारी है। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई आंच आए। वैसे अकरम, तुम्हारे और समीर के ताल्लुकात आजकल कैसे हैं? अबू, जब तक सारी बातें आईने की तरह साफ नहीं हो जाती, मैं समीर के साथ फासला बरकरार रखना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, अंदर आइए। मुझे कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि हमारा साथ यहीं तक था। क्या मतलब? अब चूंकि सरफराज साहब ने अपना केस वापस ले लिया है और आप लोगों को धमकी भरे फोन भी आने बंद हो गए हैं, इसलिए आप लोगों की सिक्योरिटी हटा ली गई है। इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए, अब तक आपने जो तहकीकात की है उसका क्या नतीजा निकला? कुछ पता चला? Well, अभी तक तो हम सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप लोगों को जो धमकी भरे फोन आते रहे हैं वो आप ही का कोई करीबी है। नॉट टू वरी, इत्मीनान रखें, बहुत जल्द इस बात का पता चल जाएगा कि वो शख्स कौन है। सर, रात बहुत हो चुकी है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? तुम जाओ। लेकिन आप सर? मैं थोड़ी देर और रुकूंगा, तुम जा सकते हो। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट।
आना पड़ा। सुना है रूबी वापस आ गई है, वही रूबी जिसके लिए आपने मुझे तलाक दिया था। क्यों वही बातें बार बार दोहराती हो तुम? मैं भूल जाना चाहता हूँ उसे। नहीं समीर, रूबी आपका गुजरा हुआ कल है और आपका आने वाला कल भी। आप क्यों उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर लेते? मेरी वजह से आप दोनों की प्यार की कहानी अधूरी रह गई थी, अब वो पूरी हो सकती है। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो तुम? नहीं समीर, मैं चाहती हूँ कि आपका घर भी बस जाए और आप मुझे फोन करना बंद कर दें, क्योंकि जब आपका फोन आता है तो मेरे रोम रोम में एक हलचल सी पैदा हो जाती है, एक तूफान सा मच जाता है, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अगर आप मुझे फोन करना बंद कर देंगे तो आपकी जिंदगी में भी बाहर आ सकती है और मैं भी खुश रह सकती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी जिंदगी में लौटना नहीं चाहती? हाँ समीर। हीना, हीना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं फिर तुमसे अपने किए की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करो। उस गलती की अब कोई तलाफी नहीं हो सकती समीर, इसीलिए अच्छा है कि आप मुझे भूल जाइए। मैं अकरम की हूँ और हमेशा रहूंगी। आप रूबी के हो जाइए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ही ना